पर्थ में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मिली करारी शिकस्त के बाद भारतीय टीम मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट को जीतकर वापसी करने को बेताब है। माना जा रहा है कि पिछले मैच में लचर प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। खैर जो भी हो, ये तो 26 दिसंबर के दिन ही पता चलेगा कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा के अलावा मयंक अग्रवाल को अंतिम 11 में डेब्यू करने का मौका मिलता है या नहीं। लेकिन इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को लेकर फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम की चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल इसकी बड़ी वजह है 15 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई टीम में 7 वर्षीय गेंदबाज आर्ची शीलर का चयन होना। यही नहीं, आर्ची इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की उप कप्तानी भी करेंगे। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि आर्ची को अंतिम 11 खिलाड़ियों में मैदान पर उतारा जाता है या नहीं। खास बात यह है कि 7 वर्षीय लेग स्पिन गेंदबाज आर्ची शीलर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज को आउट करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस महीने के शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ऐलान कर दिया था कि आर्ची शीलर भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में टेस्ट टीम का हिस्सा रहेंगे। वहीं आर्ची इस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ जमकर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। दरअसल आर्ची बड़े होकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान बनना चाहते थे, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्ची को 3 महीने की उम्र से ही दिल से जुड़ी गंभीर बीमारी है। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया की मेक के विश फाउंडेशन को इस बात का पता चला कि आर्ची अपने तीसरे ओपन हार्ट ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके सपने को पूरा करने का फैसला किया। हालांकि आर्ची का ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को आउट करने की उनकी ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं।